नमस्कार दोस्तों, मैं भरत सिंह आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं। तो साथियों, गर्मियां आ चुकी हैं और साथ में मच्छर भी आ चुके हैं। मच्छरों से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मगर अब आपको घबराने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि RCM आपके लिए लेकर आया है प्रतिष्ठा नीम हर्बल अगरबत्ती, जिसको जलाने से आप घर में जितने भी मच्छर हो सबको बाहर भगा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस अगरबत्ती के क्या क्या फायदे हैं। मच्छर मारने वाले कॉइंस और अगरबत्ती से सेहत को हो सकते हैं कुछ नुकसान, जाने कैसे कर सकते हैं इससे बचाव। मच्छर को मारने और भगाने के लिए कॉइंस अगरबत्ती जैसे कई तरीके मौजूद हैं, लेकिन इसमें निकलने वाले धुएं से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। गर्मियां और सर्दियों की शुरुआत के साथ ही मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। आखिर में मच्छर भले ही छोटे हो, लेकिन यह आपको डेंगू और मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों घेरे में लाने के लिए काफ़ी हैं। प्रति वर्ष दुनिया भर में सैकड़ों लोगों को डेंगू और मलेरिया की चपेट में आकर बीमार हो रहे हैं। तो जाहिर है कि मच्छर से बचने के लिए घरों में उपकरणों का इस्तेमाल होता होगा। अमूमन घरों में मच्छरों भगाने के लिए अगरबत्ती, फास्ट कार्ड या मच्छर मारने वाले कॉइंस का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आपके घर पर भी ऐसा होता है? अगर हाँ, तो शायद आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि आप डेंगू मलेरिया से बचने के लिए दूसरी बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं। हालांकि अगरबत्ती की अपेक्षा कॉइन से ज़्यादा नुकसान होता है। दरअसल मच्छर मारने वाले कॉइंस में बहुत से ऐसे हानिकारक केमिकल्स पाए जाते हैं जो आपको सांस के संबंधित बीमारियां दे सकते हैं। यह कॉइंस सिगरेट के धुएं के कम घातक नहीं है। इस कॉइंस पर हुए एक शोध में यह पाया गया है, मच्छर मारने वाले एक कॉइंस में 100 सिगरेट के बराबर हानिकारक होता है। इसलिए अक्सर चिकित्सालय द्वारा इसमें बचने की सलाह दी गई जाती है। इस कॉइन में बेजो फ्योरोथन और बेजो पायोरेशन जैसे हानिकारक तत्व मौजूद हैं, जो शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। इस धुएं में रहने से आप अस्थमा के शिकार हो सकते हैं। यही नहीं कि यह आपके स्क्रीन को भी नुकसान पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं मच्छर से बचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली यह कॉइन शरीर को कौन कौन से नुकसान पहुंचाती है। अस्थमा की समस्या। अगरबत्ती या मास्कोडोस कॉइंस के संपर्क में जा रहने से सबसे ज्यादा अस्थमा होने की आशंका रहती है। इससे निकलने वाले हानिकारक धुआं आपके फेफड़ों में घुस जाता है। लंबे समय तक इसे नज़रअंदाज करने से धुआं का जमाव फेफड़ों में भी हो सकता है, जो किसी भी समय अस्थमा का कारण बन सकता है। इसके साथ ही आपके लीवर पर भी खराबी आ सकती है। यही नहीं, ज़्यादा जलती हुई कॉइन आसपास रहने से इरिटेशन और घबराहट जैसे लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए चिकित्सालय द्वारा इसका इस्तेमाल कम करें, ये दूसरे उपकरणों को इस्तेमाल करने से सलाह दी जाती है। हवा में मौजूद टॉक्सिन अस्थमा से ग्रस्त लोगों से ज़्यादा प्रभावित रहता है। अस्थमा के रोगियों को खास तौर पर इससे बचना चाहिए। अगर आप इतनी खतरनाक बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो आप मार्केट से लाए हुए कॉइंस या अगरबत्ती का प्रयोग न करें। इन सारी चीज़ों को देखते हुए RCM ने आपके लिए एक ऐसी अगरबत्ती निकाली है जो कि नीम से बनी हुई है। मच्छर भगाने के लिए आप चाहे तो RCM प्रतीक्षा नीम अगरबत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी सुगंध से मच्छर दूर भागते हैं। आप चाहे तो इसको 4-5 अगरबत्ती जलाकर घर के चारों कोने में लगा सकते हैं और इसका धुआं आपके शरीर को कोई भी हानि या नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि ये आपके अंदर जो भी बीमारियां होती है, अगर गलती से इसका धुआं अगर आपके नाक या मुंह में चला जाए तो वो आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, क्योंकि उसमें नीम का स्रोत होता है, नीम का जूस होता है और नीम से निकला हुआ धुआं आपके शरीर के लिए फायदेमंद ही होता है, ना कि नुकसानकारी होता है। तो मैं आपसे
यही उम्मीद करता हूँ कि आप RCM का जो नीम की अगरबत्तियाँ हैं उसे अपने घर में लाएं और उसको जलाएं और बीमारियों को भी भगाएं, मच्छर के साथ साथ बीमारियों को भी भगाएं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस BSRCM चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू साथियों, जय RCM।